नमस्कार, इंडिया फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। परिवहन एवं गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सागर जिले के मालथौन में विकास कार्यों की झड़ी लगाते हुए 20 करोड़ के निर्माण कार्यों को हरी झंडी दिखाई। भूपेंद्र सिंह ने मालथौन में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। सागर जिले के मालथौन में आयोजित कृषक सम्मेलन में सूबे के परिवहन एवं गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने शिरकत की और फसल बीमा समेत किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाओं की जानकारी किसानों को उन्होंने दी। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार किसानों को लेकर बेहद संवेदनशील है और यही कारण है कि सरकार ने किसानों के हित में कई कदम उठाए हैं ताकि प्रदेश का अन्नदाता खुशहाल रहे। भूपेंद्र सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने मालथौन के रहवासियों को 20 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है और साफ कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य क्षेत्र की जनता की सेवा करना है और इसमें वे कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। जितने भी हमारी सामने मंडी बन गई, वहीं पर कोर्ट बन रही है, यहाँ पर सामने मॉडल स्कूल है, ये महाविद्यालय हो जाएगा, तो पूरा ये कैंपस जो है एक तरह से मालथौन का सबसे विकसित एरिया यहाँ पर हो जाएगा। हमारे महाविद्यालय में अभी क्योंकि प्रारंभिक स्वरूप है पर उसके बाद बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं का एडमिशन हुआ और जो परेशानी होती थी या तो सागर जाना पड़ता था और या फिर प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन लेते थे तो बहुत ज़्यादा फीस लगती थी, खर्चा ज़्यादा आता था और बच्चे जो सब बच्चे उतनी फीस बियर नहीं कर सकते। अब शासकीय महाविद्यालय हो गया है, लगभग 500 बच्चों के एडमिशन हो गए हैं और इसलिए यहाँ पर बिल्डिंग भी बन जाएगी और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस महाविद्यालय में जितने भी नवीन पाठ्यक्रम हो सकते हैं वो मैं सारे पाठ्यक्रम इस विद्यालय में करा दूंगा, कोई भी नवीन पाठ्यक्रम नहीं छूटेगा। इसके अलावा जो जो और यहाँ पर सामग्री की आवश्यकता होगी वो सारी की सारी सामग्री की व्यवस्था भी हम करा देंगे। गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यहाँ मॉडल स्कूल का लोकार्पण किया और इंडोर स्टेडियम के साथ यहाँ प्रस्तावित नवीन महाविद्यालय और बरोदिया ग्राम में सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन कर विकास कार्यों की शुरुआत की। देखिए, खुरई विधानसभा क्षेत्र में हमारी कोशिश है कि क्षेत्र में विकास में जो भी हम लोग काम कर सकते हैं वो काम करें और लगातार आप सब देख रहे हैं कि खुरई विधानसभा क्षेत्र में जो 50 साल में काम नहीं हुए वो हम लोगों ने 4 साल में काम करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिए हैं और इसका सारा श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को है। जिस जिस चीज़ के लिए भी मैंने आग्रह उनसे किया विधानसभा के लिए वो सारी चीज़ों की स्वीकृति उनने दी है और जो रह गया है वो भी हम कराएंगे और अभी जल्दी मुख्यमंत्री जी खुरई विधानसभा में आएंगे और जो जो चीज़ें और रह गई हैं वो भी हम उनसे पूछेंगे। सागर से इंडिया फर्स्ट न्यूज संवाददाता सोनू सोनी की रिपोर्ट।